हेलो एवरीवन, और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग जिसका वेट कर रहे थे नीट के रिगार्डिंग 2020, तो 2020 के बारे में भी सबको जानना है नीट एग्जामिनेशन डिटेल्स। तो ये वीडियो प्योर उन लोगों के लिए बनाए जिनको नीट 2020 की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको सबसे बड़ा बता दें कि बाई मंथ एंड मतलब नवंबर एंड हो सकता है ये वीडियो आप जब तक देखें नवंबर निकल चुका हो, तो बेसिकली नोटिफिकेशन उसके आ जाएंगे। नोटिफिकेशन के हिसाब से बहुत कुछ मेजर चेंजेस है जो आपको जानना जरूरी है इस बार नीट में, और वो मैं आपको एकदम अपडेट करूंगा। बहुत ज्यादा बच्चे उसके लिए क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आप ये जान लीजिए कि आपका 2 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन खुल रहा है, जो कि 31 दिसंबर तक, मतलब 2 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन नीट का खुला रहेगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फर्स्ट वीक ऑफ जैन में करेक्शन के लिए वेबसाइट खुलेगी, जिसका अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट वो फर्स्ट वीक में आप अपने जो करेक्शन फोटो अपलोड या कोई चेंजेस आप करना चाहेंगे, माइनर चेंजेस आप कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई फॉर्म भरते समय। लेकिन वो पीरियड अब नहीं बढ़ेगा जैसे लास्ट ईयर बढ़ चुका था, एज लिमिट और कई केस ऐसे थे। तो ये चीज तो फिक्स हो गई कि हमारा जो एग्जाम है वो रजिस्ट्रेशन का डेट एकदम फिक्स है। रजिस्ट्रेशन हमारा 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, हमें जो फॉर्म हमारा नीट का डाउनलोड करना है वो 27 मार्च डेट इन्होंने दी है। इसको इस बार एक और मैं बता दूं, इस बार एनटीए ही करा रहा है, जैसे लास्ट ईयर एनटीए ने कराया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नीट का बहुत लोगों को इस पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि नीट का लोग फुल फॉर्म बहुत लोग नहीं जानते, तो ये है नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट। तो ये नीट एग्जाम हमारा कंडक्ट हो रहा है, तो जिन बच्चों ने तैयारी अच्छी की है वो समय उनका परफॉर्मेंस का आने वाला है। उसके बाद हमारा एक चेंजेस और हुआ है लास्ट ईयर और इस ईयर में, हमारा जो एग्जामिनेशन डेट है वो 3 मई है। तो ये आपको याद रखना कि हमारा 3rd of May इज द एग्जामिनेशन डेट फॉर नीट, और आपकी मेहनत का जो असर या रिजल्ट मिलने वाला है वो आपको इस बार 4 जून को मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर 5 जून को जितना मुझे याद था। तो ये एक डेट चेंज हुई है, तो एक तो डेट का हो गया, मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया आपको चेंज। अब हम आते हैं कुछ चीजें और जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रही है। देखिये, नीट एक साल में एक ही बार हो रहा था और इस बार भी एक ही बार होगा, तो ये एकदम क्लियर कर लिए कि ये एक ही बार होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत बच्चे कह रहे थे कि ऑनलाइन होगा शायद 2020 का या कुछ, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, इस पे विचार किया गया था लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ऑफलाइन ही हो रहा है। पेन और पेपर सिंगल डे वाला एग्जाम जैसे होता था वैसे ही होगा, क्योंकि बहुत बच्चे गांव के थे, गवर्नमेंट ने पाया कि वहां पे इंटरनेट और मोबाइल मतलब इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन तो पॉसिबल अभी फिलहाल दूर तक नहीं दिखता एकदम तक ही हो पाएगा कभी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज हमने आपको डेट क्लियर कर दी, आपको मैंने ये भी क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी, तो 17 साल से नीचे वाले यानी 17 साल से ऊपर के लोग ही भर सकते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट, जनरल कैटेगरी के 25 साल तक के ही लोग इस बार फॉर्म भर सकते हैं, यानी अपर एज लिमिट लग चुकी है, जिसके लिए वही बार कश्मोकश बच्चों में रहा है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 25 इज द फाइनल एज, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके लिए हमारा 30 एज है, जो कि लास्ट ईयर भी था। इसमें चीज और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्लस की है, वो दूसरी आपको जानना हो ये बहुत जरूरी है, हम भी इसको पता करेंगे अपने अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, कि इन्होंने 50% एग्रीगेट मार्क्स कर दिए। एग्रीगेट अभी तक क्या था, सॉरी इंडिविजुअल मार्क कर दिए, इंडिविजुअल अभी तक एग्रीगेट था, मतलब लास्ट ईयर तक आप 50% एग्रीगेट लाते थे अगर पीसी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो आप एलिजिबल थे, लेकिन इस बार इन्होंने 50% एग्रीगेट की जगह इंडिविजुअल कर दिया, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अलग अलग आपको 50-50-50 लाना पड़ेगा तभी आप एलिजिबल हैं। तो इसको आप भी क्लियर करोगे, हम भी क्लियर करें, क्योंकि हमने जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पढ़ा मुझको ये एक चीज बहुत हाईलाइट हुई, मैंने सोचा आपको बताएं पहला। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें बहुत है कि इसमें इस बार एनआईओएस और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत एक टॉपिक बना था बहुत टाइम से कि हमारे नेशनल वाले कर सकते हैं, ओपन स्कूल वाले कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो फाइनली ये अभी क्लियर हो गया कि नेशनल आपके एनआईओएस वाले और ये आपके स्टेट बोर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जाम सेम रहेगा, 45-45, 45-45, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो में आपकी जॉलजी बॉटनी हो गई, तो 45-45 वही एक पे 45, मतलब एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, 180-180-180 इंडिविजुअली अगर हम लोग करेंगे तो ये वही 720 मार्क्स का हो जाएगा। गलत आंसर देने पे आपका 1 नेगेटिव मार्क्स है। तो अच्छा, ये तो हमारा पैटर्न कोई खास चीज नहीं, जिन्होंने पहले नीट देंगे तो वो तो पैटर्न से जॉलजी बॉटनी फिर से स्ट्रॉन्ग साबित करेगी, जिसने जॉलजी बॉटनी वाले सीखे तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। और इसके बाद हम आपको और क्लियर कर दें, आप अपनी फोटोग्राफ सॉफ्ट कॉपी 10 KB से 100 KB की लोड कर सकते हैं, पहले से पेन ड्राइव में कर ले, कंप्यूटर में कर ले, अपना सिग्नेचर भी आप डाउनलोड कर ले 3 KB से 20 KB, 3 KB से 20 KB डाउनलोड कर ले, ये फॉर्म भरते समय आपको काम आएगा, तो इसको आप सॉफ्ट कॉपी बना के रख लें।
और उसके बाद आपको मैंने एज क्राइटेरिया बता ही दिया है, आपको फॉर्म भरने का तरीका बता दिया है, और कोई अगर ऐसा चेंजेस होगा तो हम और वीडियोस आपको करेंगे। हाँ, मैं आपको और भी चीज बताऊंगा, आप अच्छा स्कोर कैसे करें, अगला क्या क्या आपको ध्यान देना है, क्या और चेंजेस होने वाले, हम लोग इस पर पूरी नजर बना के रखे हुए हैं, हम लोग इसको रोज देख रहे हैं। कुछ भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो 100% नेक्स्ट वीडियो में नीट से रिलेटेड जो भी होगा 2020 से रिलेटेड कुछ भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो आप हमारे से कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।